धर्मपुरी क्षेत्र के ग्राम उमरिया में दो पानी के टैंकर में अवैध शराब भरकर परिवहन की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और दो ट्रैक्टर टैंकर सहित 88 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। जब्त वाहन और शराब की कीमत 13,90,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं दबिश के दौरान ट्रैक्टर चला रहे आरोपी ने जिला सहायक आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय के वाहन को भी टक्कर मारी, जिससे अधिकारी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब ट्रैक्टर टैंकर में भर कर ले जाए जा रहे थे, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए वितरण करने वाले थे। कार्यवाही के दौरान एक ट्रैक्टर चालक आरोपी गजेंद्र पिता अमीचंद जायसवाल गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीन लोग मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि पूर्व में भी अमीचंद जायसवाल व उनके परिजनों पर कई प्रकरण दर्ज है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा अभी दो ट्रैक्टर जान पे खेल कर पकड़े गए हैं, अवैध शराब परिवहन हो रही थी, इसमें सर क्या पूरा मामला है? इसमें पूरा मामला ये है कि आज मुखबिर से सूचना मिली कि उमरिया का अमित चंद, पवन, गजेन और उसके एक दो और साथी जो है अवैध शराब दो ट्रैक्टर के टैंकरों में भर के लाए हैं और निर्गुड़िया रोड पे खड़ी किए हैं। वहीं से वो पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए अवैध शराब बांटने वाले हैं। हम लोगों ने तत्काल बल इकट्ठा किया और जैसे ही मौके पर पहुँचे ये दोनों ट्रैक्टर टाली लेकर निर्गुड़िया की तरफ भागे। ट्रैक्टर और टैंकर जिनका पीछा किया गया, जिसमें से पवन, अमीचंद और उसका ड्राइवर तीन आदमी भाग गए और अमीचंद के बड़े लड़के को गजेन को पकड़ लिया गया और गजेन ने जो है पीछा के करने के दौरान हमारी गाड़ी को टक्कर मार के पलटने की कोशिश की, लेकिन हम लोग बच गए, गाड़ी नहीं पलटी। गाड़ी डैमेज जरूर हुई है। सर, आपका नाम? आर एस राय, सहायक जिला आबकारी धर्मपुर। आज कलेक्टर महोदय श्री पंकज जैन के निर्देशन पर एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री यशवंत धनोरा के मार्गदर्शन पर गांव उमरिया में हमारे संयुक्त दल द्वारा दबिश दी गई। मुखबिर से सूचना मिली थी कि उमरिया निवासी अमीचंद जायसवाल, गजेन जायसवाल एवं पवन जायसवाल, जो अमीचंद इनका पिता है, दोनों बेटे हैं इनके, द्वारा जो है टैंकरों में ट्रैक्टर के टैंकरों में अवैध शराब लाई गई है और जिसको निर्गुणिया मार्ग पर इन लोगों को खड़ी किए हैं ट्रैक्टर, वहाँ से ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए मदिरा का वितरण करने वाले हैं। त्वरित कार्रवाई की गई, दल गठन करके वहाँ हम लोग पहुँचे। तब तक ये लोग दोनों जने ट्रैक्टर लेके भाग रहे थे जिनका पीछा किया गया। एक ट्रैक्टर को तो तत्काल पकड़ लिया गया जिसको अमीचंद चला रहा था और वो कूद के भाग गया, उसके साथ एक आदमी और था, और दूसरी ट्रैक्टर जो गजेन चला रहा था ये लेके भागा, लाल रंग की ये महिंद्रा सरपंच ट्रैक्टर थी। इसका हम मैंने पीछा किया खुद और काफ़ी आगे जाके जब हम इसको ओवरटेक करने लगे तो इसने गाड़ी से कट मार के हमारी गाड़ी को पलटने का प्रयास किया, लेकिन बच गए हम लोग बाल बाल। फिर आगे से रोक के और पकड़ लिया गया, गजेन भागा, इसको पीछा करके दौड़ा के पकड़ा गया, इसने गुत्थम गुत्था की, फिर इसको कंट्रोल किया गया करके इसको हम लोग ले आए। फिर पेटियों टैंकरों की दोनों की तलाशी ली तो एक टैंकर में 2,00,000 रुपये की करीब 50 पेटी विदेशी शराब थी, जिसमें मीडियम रेंज था, बियर थी, केन बियर थी और रॉयल स्टेक थी, बैक पाइपर थी, इस तरह की ब्रांड थी। और दूसरे टैंकर में करीब 38 पेटी जिसमें लंदन प्राइड और प्लेन मदिरा थी जब्त की गई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3,90,000 है और दोनों ट्रैक्टर और ट्रालियों की अनुमानित कीमत 5,00,000 आंकी गई। इस प्रकार कुल 13,90,000 की दारू एवं वाहन सहित जब्त किया गया। एक आरोपी गजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। हाँ, ये लोग मूलतः आपराधिक, इनके प्रकरण इनके ऊपर बहुत से दर्ज हैं और पूर्व के प्रकरणों में गजेंद्र एवं अमीचंद फरार थे, पवन ने अग्रिम जमानत ले ली थी। पुलिस थाना धामनोद में भी गजेंद्र फरार है एक प्रकरण में, हमारे अन्य प्रकरणों में भी ये फरार थे अमीचंद, और इनके लड़ाई झगड़ों के दूसरे अन्य अनेक प्रकरण हैं। ये मूलतः आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और संगठनात्मक ढंग से जो है अवैध शराब का धंधा करते हैं। आर एस राय, सहायक जिला आबकारी अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।